मैं क्यों डरू यार? तुम डरे क्या मुझसे? तुम यहाँ से तो मेरे साथी हो। लगता है कल घर पे आना पड़ेगा मुझे। कल मैं आती हूँ आंटी अंकल से मिलने, सॉरी मेरे मम्मी पापा से मिलने, सास ससुर से। ठीक है आती हूँ। तो दिल की बात निकल गई ना? दिल की बात तो आ गई सामने से। दिल की बात निकल गई सामने से। तो नितेश अब तुम समझ चुके हो, बसंत नेहा को प्यार करता है, प्रिया को मोहब्बत करता है। बेटा नेहा डार्लिंग कुछ नहीं ऐसा। नहीं नहीं सबको ऐसे गोलियां ही देते रहो। तो ये ब्लॉग जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि नेहा सच्चाई देखने के लिए ब्लॉग देख लेना। बंद कर करके बाहर कांटे करता है ये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मटपाल ब्लॉग। सो गाइस आप मिले मेरे दोस्त मैगी से नितेश। और तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं बसंत भाई के पीछे पीछे, क्योंकि बसंत भाई आज ना 9:30 बज रहे हैं। कुछ ऐसा काम करने वाला हाँ। है जो कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। जबकि साढ़े नौ बजे कौन जाता है ऐसी जगह पे? इस टाइम पे ऐसा काम क्या करता है? ये कोई टाइम होता है ये सब करने का? तो चलिए चलते हैं, देखते रहे हम क्या दिखाते हैं आपको। एक खतरनाक चीज दिखाएंगे हम आपको। आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अरे अंधेरा हो गया। सो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत ज्यादा अंधेरा तो है। तो गाइस मिलते थोड़े टाइम बाद, मिलते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि बसंत भाई ना रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी सलून में काम कर रहे हैं। सलून में क्या आप देख के हैरान होने वाले। और इवन प्रिया को तक नहीं बताया कि मैं सलून जा रहा हूँ, तो मैंने बता दिया कि प्रिया जी बसंत भाई रात को 10 बजे सलून जा रहे हैं, घर पे नहीं गए हैं आज। तो हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है उनका, हम देखते हैं उनके साथ क्या करने वाले हैं। तो आप देखते रहे, ठीक है? देखते हैं कि वो हमारे कर क्या रहा है। चलिए मेरा तो सबसे पहले काम है। ओ माय गॉड, लड़कियों के पार्लर में ये क्या कर रहे हैं? लड़कियों का पार्लर में भाई, बाल तो लड़की के हैं देखिए। अच्छा बाल लड़की के हैं, हां सर। तो यूनिसेक्स है ना ये? ओके यूनिसेक्स है गाइस। सो गाइस आप सब देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, ये देखो बसंत झांगड़ा रात के 10 बजे सलून में है, अपना बाल कटवा रहे, वो भी प्रिया को बिना बताए कि मैं सलून जा रहा हूँ घर के शेविंग करवाना है, वो भी टाइमिंग देखो 9:30 बजे। तो मैं सबको बता दूँ क्या बात कर रहे हो? तो यार मतलब ये कोई टाइम है घर जाने का? टाइम तो आपने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ घर के, मैं रोटी वोटी खा के सोऊंगा जल्दी और सुबह जल्दी शूट करना है। अब आप यहाँ आके बैठे हो, वो तो आपने मुझे बता दिया था, वो तो आपने मुझे मेरे रील्स क्रिएट करनी है, रील्स वगैरह बनानी आपने बोला था। अरे नहीं बनानी है अभी, तुम यहाँ से शूट हो गए तो सारे दिन। वो तो आपने मुझे बताया था तो इसलिए मैं इसको लेके आ गया। मैं देखो तुम्हारी वीडियो देख रही, तुम कर क्या रहे हो इधर? हाँ वो तो मैंने बताया कि देखो बसंत भाई अभी 9:30 बजे सलून जा रहे हैं, इसलिए बोला भाई। हाँ ये बसंत भाई के दोस्त है। तो भाई बसंत झांगड़ा है, बसंत झांगड़ा है, बसंत झांगड़ा है। इतना प्यार से आजकल अच्छा लगता है भैया? झूठा प्यार नहीं है। अच्छा तो भैया से ही शादी कर लेते ना? क्या बोल रहे, झूठा प्यार नहीं है, भैया से ही शादी कर लेते ना फिर? प्यार हर तरह का होता है, प्यार कई तरह का होता है, ठीक है? भाइयों का प्यार अलग होता है, गर्लफ्रेंड का प्यार अलग होता है, वाइफ का प्यार अलग होता है ना भाई? एक्सपीरियंस है पूरा बसंत भाई ने दे रखा है एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे ट्रिमर लग रहा है नहीं यार ये प्रिया मना कर रही है इसलिए नहीं कटवा रहा भाई, अगर ये प्रिया बोल देना ये कटवा ले कल ही पूरा गंजा हो जाऊं पता हो जा गंजा। नहीं ये छोड़ो ये मजाक नहीं। सब ये बहुत गहरी नींद में जा चुके हैं। सो गाइस मुझे पता क्या ड्रामा कर रहा है भाई, आपने इनके लिए दुकान इतने टाइम तक क्यों खोल रखी है? हाँ दोस्त है मेरा इसलिए। तू होता तो नहीं खोलता। मैं नहीं, मैं भी खोल लेता यार, बसंत झांगड़ा है इवेंट, बसंत झांगड़ा तो मैं भी खोल लेता भाई। और दो वरना दाढ़ी इधर उधर जाएंगे। हाँ नहीं सर इतना टाइम नहीं मिला था आपको, अब ये टाइम मिल रहा है? ये कोई टाइम है? सुबह आ जाते थोड़ा मतलब दोपहर तक आ जाते, दोपहर को फिर। अच्छा आज प्रिया आ रही थी इसलिए आप खुशी के मारे आए नहीं दोपहर को, पता है मेरे को दिन भर प्रिया का वेट कर रहे थे ये।
मैंने जब कैब किया बोला अब आएगी प्रिया एक घंटा, मेरे को बार बार बोले फोन करके देख ले एक बार की कब आएगी प्रिया। मेरा ठीक है फिर देख लो भाई क्या बोल रही है भाई क्या करूँ फिर। हे गाइस अभी आपने देखा कि बसंत यहाँ पे शेविंग करवाने आया है और अभी पता नहीं नीर गोलियाँ खा रहा है क्या बसंत की खाली गोलियाँ बसंत की गोलियाँ खाली नहीं भाई मैं आपको एक बात बता दूँ बसंत भाई अब मुझे नहीं लगता कि वो घर जाएंगे अपने वो अब जब तक प्रिया है यहाँ पे है ठीक है वो प्रिया के साथ ही रहने वाले हैं हमने एक फ्लैट लेता है उसमें प्रिया रहने वाली है ठीक है मुझे हा? लगता है कि मुझे बाहर सोना पड़ेगा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है हम सब एक साथ ही रहने वाले हैं और मैं तुम्हें दिखा दूँ हम लोग इस पार्लर में है अभी फिलहाल ये पार्लर ये बसंत यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस बसंत भाई मेरे को नहीं लगता कि घर जाने वाले क्योंकि अभी जब यहाँ पे सलून से काम हो जाएगा उनका वो सब हमारे साथ चलेंगे ठीक है। आज हम बसंत को गोलियाँ खिलाते हैं नहीं कोई गोली नहीं लेगा वो हमारी गोलियां खिलाते हैं वो हमें अभी जब इतना शाना है मतलब अचानक से ऐसे रात को आया छुपके से अच्छा हुआ हम लोगों के पास दूसरी बाइक थी हम लोग आ गए क्योंकि मुझे तो पता था मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो बोले सलून जा रहा हूँ यार सलून बताओ कैसा है हमको बोलता है मैं हुक्का पार्लर जा रहा हूँ तो हम लोग आपको हमारा ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपको ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती रहेंगी सो गाइज आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए। सो हे गाइस मेरा और नितेश की हम दोनों की बातें हो चुकी हैं हम दोनों को बातें करते करते आधा घंटा हो चुका है और हम लोग बहुत थक चुके हैं हमको नींद भी आ रही है 10:30 बज चुके हैं 1:30 हो चुका है 9:30 बजे से बसंत भाई यहाँ आए हुए हैं 1 घंटा हो गया अब पता नहीं वो शेविंग करवा रहे थे फिर बाल कटवाए अब पता नहीं वो क्या करवा रहे तो आज चलो देखते हैं कि वो कर क्या रहा है इतनी देर से। सो हम लोग आज क्या है बसंत ये इसके तो लड़कियों से भी ज्यादा नखरे भाई पक्का आज ये घर नहीं जाएगा मेरी गारंटी है जाने भी कौन दे रहा है अच्छा क्या हुआ भाई को पसीना आ रहा है भाई 1 घंटा हो गया आप पहले बाल कटवाए आपने क्या बस यार लेट 10:30 बजे सुबह उठना भी है यार क्यों आए भाई तुम सो जाते अपना यार क्यों आए तो हमको लगा कि आप तो भाई जा तुम वहां हम वो देखने आए थे एसआईडी वाली नहीं जहां तुम वहां हम अब बोलो बसंत पूरा 9:30 से 10:30 1 घंटा हो चुका है क्या बसंत भाई घर पे नहीं आ रहे बोल दो नहीं आपको आज ओ भाई रुक जा तुम क्या क्यों बोल रहे ऐसे कर दो कर दो भाई कर दो यार पता शादी हो रखी मेरी यार उल्टी बात हो गई शादी हुई तो क्या चार डाले हम लोग ज्यादा थक गया करके हमारे साथ सो रहे हैं क्या बोल रही है शादी हुई तो क्या हम लोग चार डाले यार सो जाओ अपना जा गया मुझे काम करना फैमिली बसंत हम मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए आई हूं बसंत हद होती है हर चीज की हद हो गई ये पागल है यार तू सब जरूरी यार टाइम के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है इंसान को तुम्हारा टाइम बदल गया अब मेरा टाइम आएगा अब मेरा टाइम आएगा क्या प्रिया का क्या बताऊं अभी क्या प्रिया का। सो गाइस अभी देखिए एक्स सुनो तुम्हारी तो फिर क्या करे डबल एक्स बन जा बताओ अभी डबल एक्स बन जे हद हो गई उल्टी बात करती है पास को भूल जाएगा प्रिया मैं भूल चुका हूँ हाँ पास को भूल जा पागल फ्यूचर पे ध्यान दो प्रेजेंट पे जियो आप भी शादी कर लो फिर शादी कर लो पता चलेगा कि क्या होता है दुख हाँ तो शादी कर ले मैं कोई शादी कर ले बस खत्म बात है दुख क्या होता है तो मैं नितेश से शादी करने जा रही हूँ ठीक है कितना बदतमीज है यार ये मैं क्या बोलूँ यार अरे दुख नहीं है कि हाँ 1.5 साल का रिलेशनशिप हवा में उड़ गया तुम्हारा हाँ बोल लो क्यों मुंह बंद हो गया यार तू पागल है प्रिया तुम पागल हो। सो मुझे कुछ नहीं पता आज बसंत हमारे साथ ही रहने वाला है और हम लोग बहुत फन करने वाले हैं आज और तुम भाभी को बोल दो क्या नाम है नेहा तुम्हारी प्रिया भाभी ना नेहा 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 प्रिया भाभी तो मेरे शादी करने के तुम बोल रहे हो प्रिया भाभी हेलो कहने के चाहते हो भाई तुम नहीं मतलब तुम्हारी नेहा भाभी ना प्रिया नहीं नेहा मेरी नेहा है मेरे को क्या मालूम अच्छा और प्रिया से और हमसे मोहब्बत
नेहा सुन लो आप तो कल ये व्लॉग देख लेना, ठीक है? तुम देख लेना कि मोहब्बत करते हैं अभी। हाँ सही बोल रहा है, मतलब पलट जाना था कैसा बंदा, सीरियस बोल रहा है अभी। इसका मुंह देख, तुम वीडियो बना रहे हो, मुंह थोड़ी ना बंद है यार। हम भी जान के पता, तुम वीडियो बना रहे थे, बोलता कि आंख बंद थी मेरी, आंख बंद थी बोलता है ऐसे। तो आंख बंद है मेरी? नहीं, आंखें बंद होगी तो इंसान सच बोलता है यार, प्यार अंधा है। यही तरह भी अंधा नहीं है जितना सोच रखा तूने। नहीं अंधा तो, प्यार अंधा है, अभी प्रूफ मिल गया। मोहब्बत प्रिया, मोहब्बत हो गई आपको? सो प्यार से बड़ी मोहब्बत होती है, जो कि बसंत को मुझसे है। ठीक है बसंत, अच्छा लगा मुझे सुन के, ऐसे ही बसंत सॉरी मोहब्बत बरकरार रखना। क्या दो शादी कर लेना, पहले एक लॉकडाउन में शादी की थी, अब ये लॉकडाउन में शादी कर लेना। नहीं हाँ ठीक है कर लेते हैं, चलो देखी जाएगी। नेहा सुना, नेहा मजाक कर रहा हूँ यार, नेहा हर बार नेहा अभी देखने चली गई है। नेहा ने सुन लिया, बात करो मत प्रिया से। नहीं नहीं अभी तो मैं क्यों डरूँ यार, तुम डरे क्या मुझसे? तू नेहा से तो मेरे साथ ही हो रही है, लगता है कल घर पे आना पड़ेगा मुझे। कल मैं आती हूँ आंटी अंकल से मिलने, सॉरी मेरे मम्मी पापा से मिलने, सास ससुर से, ठीक है? आती हूँ। विराट में घुस जाएगा यार ये, कौन घुस जाएगा? एक तो घुस ही गया ना शायद, देखो पागल हो गई तू, बिल्कुल बहुत ज्यादा पागल हो गई है। सो गाइस हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि बसंत को अपना पुराना प्यार याद आए, बिल्कुल नागिनों की तरह, जो अभी भी ये मोहब्बत करता है, जो कि मोहब्बत करता है बट बताने से डरता है नेहा से, मुझे सब मालूम है ना बसंत? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है बसंत। तुम आज घर नहीं जाने वाले हो, ठीक है? निर्देश घर नहीं जाने वाला, ठीक है? नहीं मैं घर जाऊंगा, आज घर नहीं जाएगा, ठीक है? फोन कर दो नहीं, फोन कर दो, फोन कर दो भाई। क्या भाई थक रहे, एडिटिंग कर रहे भाई घर का, इधर ऑफिस में। नितेश तुम बता दो नेहा को, मैं बोल दूंगा कि ऑफिस में प्रिया के घर नहीं जाऊंगा, प्रिया को नहीं रिसीव, तू ये पागल है, पड़ोसी कैसे नहीं, अरे कुछ नहीं सोचते पड़ोसी, टेंशन मत लो, ठीक है? सो गाइस आज बसंत हमारे घर पर आ रहा है, 11 बजे कौन पड़ोसी मेरे घर के खिड़की पे आ रहे जागने के लिए? तो मैं सो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कुछ नाश्ता कुछ चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा। नहीं क्यों, मेरे घर पे कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब देखो, चाहे नाश्ता भिजवाना तो भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, एक जने को भिजवा देना, किसको? बसंत जांगड़ा को, ठीक है? सो बसंत तुम आज हमारे घर पे आ रहे हो और हमें नहीं पता, तुम अच्छा तो कुछ भी बहाना बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो नेहा से, अब आई डोंट केयर, तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है? और बहुत सच लिए मुझे, तुम बिना सजे भी अच्छे ही लगते हो बसंत, कहाँ जाओगे इतना सच के? कहीं नहीं जाना है, ऐसे लड़के कम पड़ी है क्या? अब मैं किस, मतलब तुम नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं, मतलब बसंत तुम चाहते हो कि तुम घर पे ना जाओ, सजेशन मांग रहे हो मुझसे? तो नेहा तुमने सुना कि बसंत खुद यहाँ पे ऐसा बोला कि मुझे प्रिय सजेशन दो जिससे कि मैं घर पे शर्ट, जीप खुल गई थी तुम्हारी, कभी आंखें खुल जाती तुम्हारा, कभी मुंह फिसलता, कभी जीप फिसलता, करना क्या चाहता है? मैं चुप रहना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं तुम चुप रहना चाहते तो मैं लास्ट बार बता देती हूँ सब लोगों को, भाई आप खुद बता दो, ये प्यार इससे भाभी से करता है और मोहब्बत प्रिया से करता है, तो इसे क्या करना चाहिए? प्यार अलग तरह का होता है, मोहब्बत अलग तरह की होती है। मोहब्बत कौन सी तरह की होती है बताओ? मिल ली फिर चली जाओ वापिस, आदमी है हरियाणा में घर ले रखा है, मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर ले रखा है, पता है ना यार तू ना, इतना ट्रामा बहुत खर्चा हुआ है मेरा मंगाने में, किराया मेरे से भरवाई। बात तो सही है, बात तो सही है, किराया तो तुमको भरना पड़ेगा। तो गाइस अब आप मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं, मोहब्बत और प्यार में कौन जीतना चाहिए और आप किसको सही मानते हैं, 1.5 साल का प्यार या फिर अचानक से की हुई शादी? प्रिया कुछ नहीं, हमें समाज में रहना होता है। क्यों हम समाज वाले नहीं है, है? समाज में रहना तो देखो बात, हम जैसे कि वहाँ से आए होंगे उल्का पिंड से। यार सॉरी भाई मुझे नहीं कुछ बोलना, मैं तो गल सुनना चाहता हूँ प्लीज। हाँ ठीक है, बिस्तर रेडी है, तुम सो जाना वहाँ पे। सो आज बसंत हमारे साथ ही रहने वाला है। तो गाइस अब आप बताइए, प्यार जीतनी चाहिए कि मोहब्बत, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? 1.5 साल का प्यार, शट अप, 1.5 साल का मोहब्बत, 1.5 साल की मोहब्बत, या 2 दिन बाद शादी? कहाँ 1 साल बाद, 1 साल हो चुका मेरी शादी को, 1 साल बाद आई तू,
मैंने तुम्हें कॉल वॉल ट्राई किए थे, तुमने ब्लॉक किया था, मेरी गलती है क्या? मैं जीन तुम्हें भी मिलने आई थी, भूल गया देखो, तभी भी आपने इसको इग्नोर कर दिया था। लड़की इतनी सारी यार, मैंने तो काम के लिए आई है। ओह माय गॉड, नहीं मैं तो मोहब्बत के लिए आई थी। सो गाइस हम अपना ब्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं, तो आप देख लें यार प्लीज। अभी तो ब्लॉग रिश्ते सुपर वायरल जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जाएगा बसंत की होशियारी, और इसका टाइटल है प्यार वर्सेस मोहब्बत। सो गाइस आप बता दीजिए कौन जीतना चाहिए। प्यार जीतेगा। अरे चुप करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। आई लव यू मेरी जान नेहा स्वीटी। हैं मैं कौन हूँ? बोला बोला मैं कौन हूँ? बसान यार कुछ प्लीज। होता है कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है, गुलाब जल डाल लेना। बसंत कौन हूँ मैं? प्रिया। मारूंगी घुसा एक मोहब्बत। सो गाइस हम लोग अपना ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। यारे प्यार कर मत भाई, अगर कोई प्यार में नहीं तो आप लोग चुप करो। हाँ प्यार करने के बाद शादी कर लो, देख रहे हो? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, ये सब मोह है, मोह नहीं, माया है माया। पहले मोह के पीछे भागो। सो अब आप लोग, हम लोग अपना माया मोया कुछ नहीं। सो हम लोग अपना ब्लॉग इधर ही खत्म करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं, तो आप लोग देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसकी क्या बैंड बजाने वाली हूँ, और आप देखते रहिए। बाय।